और उस समय में हम पढ़ते थे चंदा मामा दूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक लाइटर मूड में कहा चंदा मामा अभी टूर में है, थोड़े दिनों के बाद चंद्रयान जब 4 चलेगी 5 होगी तब आप में से कोई बच्चा जब तक तो वैज्ञानिक होंगे ना, आप लोग होंगे कि नहीं होंगे, इसरो के साइंटिस्ट हो जाएंगे तब। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने और सरल कर दिया, स्पेस पॉलिसी को रिफॉर्म कर दिया, अब ये सरकारी चीज नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जैसे एलन मस्क अपने वहां स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारी इंडियन स्कूल सिस्टम से निकला हुआ बच्चा भारत की नई पॉलिसी के आधार पे इस बार जो साइंटिफिक अचीवमेंट हुआ, पहली बार भारत ने चंद्रमा की साउथ पोल में जहां दुनिया ने किसी देश ने नहीं पहुंचा तो वहां हमने पहुंचा है। ये सफलता भारत की सभी वैज्ञानिकों की है, वैज्ञानिकों ने तो आखिर एनसीईआरटी की किताब तो पढ़ाई होगा ना। तो हमारी सभी के साथ ये जो कॉमिक बुक आज निकला है, अभी तो 11 भाषा में निकला है, आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से मल्टीलिंगुअल हो जाए, जितने भाषा में कंप्यूटर में लैंग्वेज है, श्री लिपि में जितने भी लैंग्वेज में लिपि है सभी में आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। यूनेस्को और एनसीईआरटी की किताब आने वाले महीना भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ऑनलाइन हो जाए, तब हमारी एनईपी की जो रिकमेंडेशन है एजुकेशन हैज टू एक्सेसिबल टू एवरीबडी, तब जाके ये सपना साकार हो पाएगा। आज की इस अवसर पे मैं आपको फिर बधाई देता हूं, आपने 11 विषय की प्रायोरिटी किया है हेल्थ केयर में। मेरे लिए सबसे दायित्व वाला विषय बनता है मेंटल हेल्थ, और मैं दोनों को अनुरोध करूंगा, मिस्टर बेनू आई विल रिक्वेस्ट यूनेस्को टू री लुक इट्स डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंट। रिसेंटली वी ऑल हैव ओवरकम द फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ कोविड, इफ यू रिमेंबर इन दोज डेज सोशल मीडिया क्लिपिंग्स आर देयर हाउ द किड्स बिहेव फॉर हेल्थ केयर सिस्टम, मास्क पहनो, हाथ साफ करो, साबुन यूज करो, ये सारे अच्छे स्टोरी नन्हे बच्चों से आती थी। आप तो 10 साल की बात कह रहे हो, स्टोरी तो लगती है। इस बार आपने ही एनईपी के कारण बनाया बाल वाटिका से, 3 साल से स्टोरी लगती है। मैंने पूछा अभी संजय जी को, आपकी प्रायोरिटी एज है या स्टोरी है, मोरल है या लिटरेचर है? इंपोर्टेंट इज मोरल, इंपोर्टेंट इज लर्निंग, इंपोर्टेंट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। भारत की एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जो कथा कहानी खिलौना अनुभव परिवार की बड़ों से सीख इसके माध्यम से आती है, उसी का एक लिटरेरी फॉर्म है ये कमिक। इस बार इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह तय किया गया, राइटली सो, कि इन आवर न्यू अप्रोच टुवर्ड्स पेडागोजी स्टोरी टेलिंग विल बी वन ऑफ द प्राइमरी स्ट्रेटेजी, इंडियन टॉयज विल बी अनदर प्राइमरी स्ट्रेटेजी। आई एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 2 इयर्स एनसीईआरटी शुड बी इन ए पोजिशन टू इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअली टू ग्लोबल कम्युनिटी विथ अवर गुड पार्टनर यूनेस्को, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम भारत में पानी को पूजा करते हैं, वायु को पूजा करते हैं, पेड़ को पूजा करते हैं, हम इस मिट्टी को मां मानते हैं, वसुधा को हम मां मानते हैं,
समटाइम पीपुल मेक फन ऑफ अस, अरे क्या देश है ये, सांप सपेराओं के देश, ये कुछ भी चीजों पे पूजा कर देते हैं। जो विश्व चिंतित हो रहा है सस्टेनेबिलिटी को लेके, एसडीजी 2030 की टारगेट में जो भय कहा जा रहा है, इसी को तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। श्रद्धा सिर्फ रिचुअल्स के लिए नहीं, श्रद्धा विद साइंटिफिक कॉज, यह हमारी रूटेडनेस भारतीयता के अंदर ये भरा पड़ा है। यह हमारी दायित्व बनता है इस विषय को दुनिया तक पहुंचाना। भारत में हेल्थ केयर कभी भी रिएक्टिव नहीं था। अभी सकलानी जी कह रहे थे एक्सीडेंट होने से कैसे बचाएंगे, उसकी यहां स्टोरी में रहेगा। अरे स्टोरी से कोई नहीं सीखता एक्सीडेंट कैसे होगा बचने का, वो अपने आप में सीख जाता है, रीजनिंग से आ जाता है। इसलिए हमने मदर टंग को प्रायोरिटी दिया है रीजनिंग बढ़ाने के लिए। हमारा मॉडल तो प्रिवेंटिव मॉडल है। हमारे घर में जो काम करती है बाई, हमारी चिंता करती है, वो हमको जबरदस्ती बच्चों को वेजिटेबल खिलाती है। किसको वेजिटेबल खाना पसंद नहीं है, हाथ खड़ा करो। ग्रीन वेजिटेबल सबको आना है पसंद, सच में मैं पूछूंगा टीचर को बाद में कौन सी स्कूल के आए हैं जो मेरे को बाद में ले जाना, सेंट्रल स्कूल वाले इनके पास मेरे को ले जाना, मैं सच में उनकी पेरेंट्स से मिलना चाहूंगा।